हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में अपने साइट मैप को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। सर्च कंसोल का जो सबसे मेन यूज़ है वो है इंडेक्सिंग को चेक करना कि कौन से आपके पेजेस इंडेक्स हैं और कौन से आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हैं, और अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं है तो वो क्यों इंडेक्स नहीं है। वैसे तो गूगल कंसोल जो है वो आपके वेब पेजेस को बिना साइट मैप सबमिशन के भी इंडेक्स कर सकता है, बट साइट मैप को सबमिट करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हमने अपनी तरफ से जो है कंप्लीट वर्क कर दिया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि साइट मैप सबमिशन के बाद भी आपके सारे के सारे पेजेस जो हैं वो इंडेक्स होंगे ही होंगे, बट हमने ये इंश्योर करना है कि हमने साइट मैप सबमिट किया हो और वही पेजेस साइट मैप के अंदर होने चाहिए जिनको हम चाहते हैं कि गूगल जो है वो इंडेक्स करे। उसके अलावा अगर ऐसे कुछ पेजेस हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स करे तो उन पेजेस को हमें साइट मैप के अंदर इंसर्ट नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को समझना होगा। क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि गूगल का एक स्पाइडर है जिसको आप गूगल का बॉट बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, वो क्रॉल करता हुआ वेब पेजेस पर आएगा, आपके वेब पेजेस पर। अब ये आपके वेब पेजेस पर डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे भी आ सकता है या फिर किसी बैक लिंक के थ्रू या फिर जहाँ पे भी आपने अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ा है वहाँ से ये आपके वेब पेजेस पर विजिट कर सकता है। अगर आप इसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इसको अपना साइट मैप सबमिट कर देते हैं। जब GSC में जब आप साइट मैप सबमिट करते हैं तो बेसिकली आप स्पाइडर को बोलते हैं कि आप यहाँ पे विजिट कीजिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास एक लिमिटेड बजट होता है, इसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को इसने विजिट करना होता है। तो अगर आपने साइट मैप दिया होगा तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे ये उनको पहले विजिट करेगा और उनकी इंडेक्सिंग पहले करेगा। तो साइट मैप सबमिट करने का फ़ायदा ये रहता है, ठीक है। जब ये वेब पेजेस को एनालाइज़, उसके बाद ये क्या करेगा, उनको पेजेस को एनालाइज़ करेगा। एनालाइज़ करने के क्या क्या मतलब, किस बेसिस पे एनालाइज़ करेगा कि मुझे उस पेज को इंडेक्स करना है या इंडेक्स नहीं करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप उसकी हेल्प करते हैं, आप उसके अंदर जो रोबोट्स जो टैग होते हैं वो बताते हैं कि ये इंडेक्स टैग है, ये नो इंडेक्स टैग है, मतलब इसको तो आप डाटाबेस में रखिए और इसको आप डाटाबेस में नहीं रखिए। यहाँ पर भी आप गूगल की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर गूगल को लगता है कि ये वाला पेज जो इंडेक्सिंग के काबिल नहीं है तो वो भी उसकी मर्जी है, आपने भले ही उसको इंडेक्स किया हो बट हो सकता है वो उस पेज को इंडेक्सिंग में ना रखे। अगर वो थिन कंटेंट है या कुछ भी ऐसा है तो वो आपको कंसोल में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर क्रॉलर क्या हेल्प, मतलब गूगल क्या कर रहा है, बेसिकली वो डिसाइड कर रहा है कि इसको इंडेक्स करना है या नहीं इंडेक्स करना है, और आप कैसे हेल्प कर रहे हैं, आप इंडेक्स या नो इंडेक्स टैग देकर उसको हेल्प कर रहे हैं। इंडेक्सिंग के बाद उन पेजेस की रैंकिंग होती है। अब गूगल के डाटाबेस में वो आ गए हैं, लेकिन उनको किस बेस पे रैंक करना है, किस पेज को ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, अब ये भी गूगल डिसाइड करेगा अपने एल्गोरिदम के बेस पे। जो आप रोज़ देखते रहते हैं गूगल का नया अपडेट आया है और ये हुआ है, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, अब मान लीजिए कोई यूज़र यहाँ पर अपनी कोई क्वेरी सर्च करता है तो वो ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये इंडेक्सिंग में से अपने जो डाटाबेस में से जाके उनको निकालेगा और उनको एक रैंक दे देगा, और फिर इस यूज़र को वापस एक रिजल्ट निकाल कर जो भी इसकी क्वेरी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इंडेक्स या नो इंडेक्स को तो मैनेज करते हैं, हम गूगल को बताते हैं कि ये इंडेक्स है या नो इंडेक्स है, बट हमें ये इंश्योर करना है कि गूगल के क्रॉलर जो है हमारे हर पेज को विजिट ज़रूर करें, भले ही उस पेज को आप नो इंडेक्स रखना चाहते हो बट क्रॉलर को आपने स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो वो आगे robot.txt के बारे में जब हम बात करेंगे, वो एक ऐसी फाइल रहती है जिसमें आप क्रॉलर के लिए एक पाथ डिफाइन कर देते हैं कि इसको इस पे जाओ और इस पे नहीं जाओ। तो वहाँ पे कई बार कुछ लोग गलती कर देते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं कि इसको भी क्रॉल मत करो, बट यूजली हमें वो चीज़ को फॉलो नहीं करना है, हमें मोस्टली पेजेस को जो है क्रॉल करना है, सिर्फ जो बैक एंड के पेजेस होते हैं जैसे कि एडमिन हो गया, लॉगिन हो गया, उस वहाँ तक क्रॉलर को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कंसोल के अंदर जब आ चुके हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो साइट मैप सबमिशन का करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर इंडेक्सिंग रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर पेजेस और यहाँ पर साइट मैप का ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। साइट मैप पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक साइट मैप ऑलरेडी था, मैंने उसको डिलीट कर दिया है आपको समझाने के लिए कि साइट मैप को सबमिट कैसे करना है। अब साइट मैप के अंदर देखिए,
अगर आपने रैंक मैथ के इंस्टॉलेशन वाला ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से अगर आप सेम ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं जिस पे आप अपना जीएससी जो है वो करना चाहते हैं सेटअप, और उसी जीमेल आईडी से अगर आप रैंक मैथ का अकाउंट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका साइट में सबमिशन भी उसके अंदर हो जाता है और वेरिफिकेशन भी हो जाता है। बट इन केस अगर आपने कोई रैंक मैथ के अलावा कोई और एसईओ प्लगइन यूज़ किया है या फिर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही नहीं है, तो उन केसेस में आप साइट मैप कैसे जनरेट करेंगे और कैसे साइट मैप को सबमिट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो। जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर हमें एसईओ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे साइट मैप को जनरेट करना है और कैसे साइट मैप को सबमिट करना है, तो चलिए हम वो देख लेते हैं। साइट मैप सबमिशन में पहला जो काम है वो है साइट मैप जनरेशन। तो अभी इस वेबसाइट पर हम रैंक मैथ प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं, तो रैंक मैथ में हमें साइट मैप कहाँ से मिलेगा? आपको सबसे पहले रैंक मैथ पे जाना है और साइट मैप सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जब आप साइट मैप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो है आपको साइट मैप मिल जाएगा। मान लीजिए आप कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो साइट मैप की सेटिंग होगी वहाँ पर आपको साइट मैप आपका मिल जाएगा। लेकिन सपोज़ अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है और फिर अगर आपको साइट मैप जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाकर XML साइट मैप जनरेटर पे सर्च करेंगे तो पहला जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, xmlsitemap.com। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप ये काम करेंगे तो ये आपको अपनी वेबसाइट का जो है साइट मैप जनरेट करके दे देगा। तो ये साइट मैप जो है जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा जो साइट मैप है वो डाउनलोड कर सकते हैं अब यहाँ पर आप, ठीक है, क्योंकि अब हम एक्सटर्नली कर रहे हैं तो हमें इसको अपनी वेबसाइट के जो डोमेन रूट फोल्डर में अपलोड भी करना होगा। बट अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और किसी एसईओ प्लगइन की हेल्प से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब इस साइट मैप को भी हम कंसोल के अंदर सबमिट कर सकते हैं, बट इसका यूआरएल क्या होगा? तो इसका यूआरएल जो होने वाला है बेसिकली आपका, वो होगा आपका साइट, आपकी वेबसाइट का नेम और बाद में उसके बाद XML, तो यानी कि यहाँ पर साइट मैप डॉट XML, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हमने साइट मैप जनरेट किया था वो क्या था, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। अब इसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो एक बार इसको हम वैलिडेट भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो ये हमारा जो है सही है। तो ये तो हो गया कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है, अब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो हमने यहाँ से ये साइट मैप हमारा जनरेट हो चुका है। अब इसको सबमिट कैसे करना है कंसोल में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इस साइट मैप को जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग में सेकेंड नंबर पर साइट मैप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और ये आगे वाला पार्ट हम इसके अंदर रिमूव कर देते हैं, तो साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML, और इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये हमारा साइट मैप सबमिट हो चुका है। इसको जब आप ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर हमारे ये वाले सारे साइट मैप्स जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं, कैटेगरी, पेज, पोस्ट, प्रोडक्ट, तो ये सभी फैच हो जाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कई बार इशू आता है कि इसमें फैच नहीं होते हैं, यहाँ पर सक्सेस आ गया वहाँ पे भी आ जाएगा उसमें यूआरएल्स नहीं है, तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ जाकर इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करने के जैसे कई बार कुछ इशू आ रहा है, कुछ पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, सब कुछ सही है पीछे से फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और फिर से रिसबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना साइट मैप जो है वो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, भले ही वो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो। तो अगर कोई और प्लेटफॉर्म, जैसे हमने यहाँ पर एक साइट मैप जनरेट किया था जो हमारा क्या था, साइट मैप डॉट XML, यानी कि यहाँ से जो जनरेट करेंगे वो इस तरह से होगा। तो बेसिकली ये एक फ़ाइल होती है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर पूरा यूआरएल का जो है डाटाबेस रहता है और उसका ये इंडेक्स जो है, उसका जो यूआरएल है वो हम कंसोल में सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये साइट मैप है तो यहाँ पर क्या सबमिट होगा, यहाँ पर हमारा जो सबमिट होगा वो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और साइट मैप डॉट XML हो जाएगा और ये हम सबमिट कर देंगे। तो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो ये वाला है, अदरवाइज अगर आप एक्सटर्नली करते हैं तो इस फॉर्मेट में होता है। तो आई होप आपको साइट मैप क्लियर हुआ होगा,
ठीक है, तो साइट मैप बेसिकली आपकी जो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वही होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने रैंक मैथ के ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक्सएमएल साइट मैप और एचटीएमएल साइट मैप में डिफरेंस क्या है, और एचटीएमएल साइट मैप भी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं रैंक मैथ से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।